हे गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसा फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्किन कितनी वाइट है और देख ही सकते हैं। और एक फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि नाइट की फ़ोटो नहीं क्लिक हुई है, मतलब हम लोग नाइट की ही फ़ोटो, मतलब जो नाइट में नहीं किया गया फ़ोटो है उसको हम एडिट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बार ओरिजिनल फ़ोटो दिखा देता हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम इजी स्टेप में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन खोल लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है सिंपली, और आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड दिखता होगा। तो आपको इधर आ जाना है फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में ब्लैक बैकग्राउंड रहती है, इसको आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्लिक हो गई है। तो उसके बाद अपनी फ़ोटो को हम इम्पोर्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो इधर ऐड फोटो पर क्लिक करना है सिंपली आपको, और अपनी फ़ोटो को इधर से ले लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी पहले से इरेज करके रखा था, तो आप इरेज करना नहीं जानते तो मेरी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। तो ये रही मेरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको इरेज करना है तो पहले अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आ जाता है कटआउट की ऑप्शन। इस पर मतलब चारों तरफ घुमा लेंगे तो आपकी फ़ोटो क्रॉप। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, मेरी फ़ोटो ज़्यादा बड़ी है तो इतना तक। उसके बाद डन कर देना फ्रेंड्स, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इधर से डन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, डन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, इधर से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको एक शैडो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रही मेरी फ्रेंड्स शैडो। इसे फ्रेंड्स आपको ऐसे बड़ा कर लेना है, ऐसे खींच कर फ्रेंड्स, और ऐसे आपको ऐसे लगा लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इधर से डन कर देना है फ्रेंड्स। ऐसे हमारी फ़ोटो रियलिस्टिक लगती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपली ड्रॉ टूल में जाकर अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो मैं इधर से सेव इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से आ जाना है गैलरी में। ये रही मेरी गैलरी, और फ्रेंड्स ये मेरी अपनी फ़ोटो को फिर से, नहीं ये नहीं है भाई, पिक्सआर्ट कहाँ है, ये रही फ्रेंड्स। इसे हम शेयर कर लेंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर होने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अपनी क्रॉप कर लेता हूँ इधर। ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके अपने मुताबिक, मैं अपने मुताबिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से आपको टूल्स पे क्लिक करें, यहाँ पर टोन इमेज की ऑप्शन आती होगी, इसको फ्रेंड्स थोड़े से मैं ब्राइटनेस डालूंगा फोटो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एनिमेशन दिखता होगा, इसको थोड़ा सा आपको फुल कर देना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इधर दिखता होगा हाईलाइट, इसको कम कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से। और शेडो आता होगा फ्रेंड्स, इसको आपको कम कर देना फ्रेंड्स, शेडो को आपको कम कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स, इधर से आपको रन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से आपको आना है इधर टूल में, और यहाँ पर सेलेक्टिव टूल दिखता होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, ऐसे सेलेक्ट कर देना, मतलब कहीं भी अपने फेस पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब ऊपर नीचे करेंगे, तो इस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल पर वीडियो है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस पर ब्राइटनेस डालना है गाइस, थोड़ा सा भाई। और यहाँ पर सेचुरेशन आती होगी, इसको कम कर देना है फ्रेंड्स, एक और सेचुरेशन आती है, इसको भी कम कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इधर से डन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से हम टूल पे करेंगे, फिर से सेलेक्टिव टूल पे आएंगे गाइस, और यहाँ पर कलर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ब्लैक है। फिर से हम इसकी मतलब ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, इधर से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद इसे शेयर पे क्लिक कर देंगे। कहाँ जाना है आपको, लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो ये रेफरेंस मेरी लाइटरूम एप्लीकेशन। ऑल फोटो पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, और आपकी फ़ोटो इधर इंपोर्ट हो चुकी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट होने के बाद फ्रेंड्स, इधर देखते होगे आपको ऑटो वाले टूल, इस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसे लाइट एडजस्ट हो जाएगी, थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा बड़ा मतलब बढ़ गया है, तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स,
शेडो को हमको बढ़ाना है फ्रेंड्स, शेडो को हमको कम रखना है फ्रेंड्स। ये मेरी बाल देख रहे हैं इधर। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लैक को आपको थोड़ा सा कम कर देना है। और गाइस आपको इधर आ जाना डिटेल्स वाले टूल भी, इसकी शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स और डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और नॉइज को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स और डिटेल्स को बढ़ा लेंगे और इधर से कलर नॉइज को बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स। इधर डिटेल्स को फुल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर आना है इफेक्ट वाले टूल में, इसकी हम टेक्चर को बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दिखता होगा विंटेज फ्रेंड्स, इसको आप कम कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर आना है कलर वाले टूल में, यहाँ से फ्रेंड्स अपनी हम फेस पर ब्राइटनेस डाल लेते हैं, ये इसकी सिचुएशन हम कम कर देंगे फ्रेंड्स। और लुमिनेशन को मतलब लाइट को आपको बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको येलो वाले पे आना है फ्रेंड्स, इसकी लाइट को बढ़ाना है, सेचुरेशन को कम कर देना है फ्रेंड्स। येलो भी हमारी फेस पे हल्का रहती है तो इसे भी कम करना है। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं अपने लिप पे कलर चढ़ा ले रहा हूँ, आप भी चढ़ा लीजिएगा, इससे आपकी फ़ोटो और अच्छी लगेगी। तो ऐसे कर लेना है फ्रेंड्स, कलर पे आना है और इधर नीचे आ जाना है। ये सेचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ये ऐसे करके आपको ऐसे रेड पे कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको शेयर वाले पे क्लिक कर देना है, इधर शेयर टू कर देना है फ्रेंड्स। अब हम ले जाएंगे ऑटोडेस्क स्क्रेच बुक में, तो ऐसे हम फेस स्मूथ कर लेंगे। आपको फेस स्मूथ करना उतनी अच्छी से नहीं आती है तो मेरे चैनल पे वीडियो है तो वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी टाइम लेती है फ्रेंड्स। आ जाए उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑटोडेस्क में शेयर कर लेना है, इसे हम अपनी फेस को स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और ये वाले ब्लश लेकर यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन देखते हुए आपको सेम ही रखना है, या आपकी इच्छा करे तो स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। साइज है फ्रेंड्स अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम कर लेना है और फ्रेंड्स अपनी फेस को स्मूथ कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको अच्छे से करना है फ्रेंड्स टाइम लेकर, ठीक फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मतलब स्मूथ होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑर्डर पे। अब हम ले जाएंगे फ्रेंड्स टूलवेज फोटो ऐप में, यहाँ से मतलब ऑयल प्रिंट कर लेना है। आपकी इच्छा फ्रेंड्स ऑयल प्रिंट हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी, आपकी इच्छा नहीं है करना तो मत करिएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स ऑयल प्रिंट पर भी मैं दो चार वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर है, तो देख लीजिएगा। वहाँ से शार्पनिंग को आपको क्लिक कर देना है, मतलब फ्रेंड्स अपने हेयर पर हम लोग शार्पनिंग डालेंगे, यहाँ पर पहले वाले पर क्लिक कर देना गाइस, स्क्रीन पे आ जाना है और हम शार्पनिंग ऐसे बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हेयर पर भी हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डन कर देना है। फिर से इधर आना है इफेक्ट वाले टूल पे, ये दिखता है सॉफ्ट स्मूथ, इस पर आ जाना फ्रेंड्स। यहाँ से जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। फिर से इधर आ जाता हूँ फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आ जाता हूँ और ऐसे ब्रश कर लेनी है फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डन कर देना है। फिर से आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ से फ्रेंड्स शेयर कर मतलब सेव कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हम अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो मैं फिर से बैक आ जाता हूँ और गैलरी में आ जाता हूँ फ्रेंड्स, और टूलवेज फोटो ऐप ये हमारे रेफरेंस, इसकी फाइल आपको एक्स्ट्रा बन जाएगी। फिर से आपको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से चले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो ये रही मेरी फ्रेंड्स, इसको आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब फेस को आपको मतलब सारे एडिट करने के बाद लास्ट में आप लाइटरूम में जरूर आ जाएगा। फिर से दूसरे वाले को इसकी सेचुरेशन को कम कर लेंगे और लुमिनेशन को मतलब लाइट को हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरी फ़ोटो में आपको जैसे पहले दिखाया था वैसा सेम मैं एडिट करके मैं आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा वीडियो आएगी फ्रेंड्स। तो चलिए।